वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई आदमी नहीं था, 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे थे और मैंने वही बोला जो सरपंच साहब लीड कर रहे हैं उनके सिग्नेचर हैं। सब जैसा सरपंच साहब का इल्जाम है कि जब वो वहाँ पहुंचे तो उनके गांव के सिर्फ 4 ही लोग थे और बाकी लोग जो थे बाहर से दिहाड़ी पे लाए गए थे, और उनका एक और कहना है कि जब उन्होंने वहां पर आवाज उठाई तो जो उनकी आवाज उठाई गई है उस समय की वीडियोग्राफी नहीं हुई है। सर्वेंट है हम, मतलब पब्लिक सर्वेंट है हम, मतलब पब्लिक के लिए काम करते हैं। अगर कोई ब्लॉक जैसे बना, गवर्नमेंट ने बना लोगों के लिए, इतना लोग कर सकते हैं कि चलो यहाँ से मटेरियल बाहर ना जाए, दूसरी मतलब स्टेट में ना जाए, कि दूसरी जगह डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक हो जहाँ इसको हम चलने नहीं देंगे। 1.5 साल के बाद आज प्रोटेस्ट उठा, मतलब हो सकता है उस टाइम उनको इसका नॉलेज ना हो, पूरा नॉलेज था सरपंच साहब को, जमाने ही पता था कि 7 पब्लिक का प्रेशर हुआ है तो उन्होंने ये शुरू किया। गांव मतलब क्या महकमा इसको 200 से सकता है। इसमें पूरे नाम है, आप एक एक आदमी का नाम पढ़ सकते हैं, एक एक आदमी और फोटो है, मतलब एक एक आदमी का सिग्नेचर है एक, और इवन के फिर सरपंच साहब ने सिग्नेचर क्यों किया है? अगर सरपंच साहब का था कि इसको कैंसिल करना था फिर इधर सिग्नेचर क्यों किया इस पे? मतलब ये तो इसी का डॉक्यूमेंट है, मेरा थोड़ी है। और सर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ बुलाई है आप लोगों की, सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। वो मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा ये है कि जैसे सार पंचायत लुगेट, तो वहां कुछ लोग बड़े दिनों से जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो काफी दिनों से बैठे हैं एक ब्लॉक को लेके कि जो हमारा माइनिंग मिनरल जो हमारा ब्लॉक सेंक्शन हुआ था और उसको कैंसिल करने के लिए वो कह रहे हैं कि इसको कैंसिल करो। पहले स्टार्टिंग में वो ये कह रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कुछ दिनों से कि उसको शिफ्ट किया जाए। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा आपको मैं ये चीज ब्रीफ कर लेता हूं कि माइनिंग ब्लॉक जितने भी बनाए जाते हैं वो एक लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं, लोगों की जो नीड होती है, क्योंकि जैसे लोगों को हर एक चीज चाहिए उसी तरह से रेत बजरी की भी जरूरत होती है लोगों को। किसने मकान बनाना है, किसी का कोई मतलब पंचायत का काम है, डेवलपमेंट का काम है, कोई और कोई रोड्स के काम लगे हैं, तो सब पर्पज के लिए तो उनको मिनरल चाहिए होता है। और पहले जैसे पहले तो ऐसे ही चलता था इलीगल, लेकिन जब से और कुछ मतलब कई जगह पे रॉयल्टी ली जाती थी हमारी, लेकिन जब से ये एक साइंटिफिक माइनिंग का प्रावधान आया उसके बाद हमारे माइनिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं। और क्योंकि आपने तो देखा ही होगा जैसे पहले जब ऐसे ही माइनिंग होती थी अंधाधुंध, लोगों ने 10-10 फुट 20-20 फुट नीचे गड्ढे कर दिए और उससे